दिल में हो हौसला, मन में हो विश्वास, तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। इंसान अपनी मंजिल पा सकता है। इंसान अपने हौसलों की उड़ान के माध्यम से अपनी कल्पनाओं को भी पूरा कर सकता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया मथुरा जनपद के कस्बा औरंगाबाद के बैराज मोड़ स्थित श्री कृष्ण धाम कॉलोनी की रहने वाली आशा भरंगर ने, जहाँ उन्होंने क्या कुछ उपलब्धियाँ हासिल की हैं, मैं उनसे सीधे सीधे आपसे रूबरू कराऊँगा। ये पूरा परिवार बैठा हुआ है। आप आशा भरंगर हैं। आशा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कुछ आपने उपलब्धियाँ पाई। सर, मेरा सिलेक्शन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के लिए हुआ है, तो अभी मेरा यही अचीवमेंट है। अचीवमेंट है। आपने तैयारी कैसे की? मैंने अपनी तैयारी घर पे ही रह के करी थी, तो मैं सेल्फ स्टडी करती थी एग्ज़ाम्स के लिए, और मतलब सेल्फ स्टडी, सेल्फ प्रिपरेशन, और मेरा जब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ था, तो वहाँ से अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करके उनको इम्प्रोवाइज करके देन आई गॉट द रिजल्ट। अच्छा, आपने एयरफोर्स में जाने का शुरू से सोच रखा था या बाद में विचार आया आपको? मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं तो ये बात थी कि मैं डिफेंस में जाना चाहूँगी, बट बहुत क्लियर नहीं था डिसीजन। बट जब मैं अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में थी, तब मैं बहुत श्योर थी कि हाँ, दिस इज़ समथिंग आई वॉन्ट टू डू, तो तब मैं बहुत क्लियर थी, तभी से मैंने अपनी एटलीस्ट स्टडी स्टार्ट कर दी थी एग्ज़ाम प्रिपरेशंस। तो आफ्टर दैट मेरा यही था कि मैं एग्ज़ाम्स देती गई, SSB देती गई, एंड फाइनली सक्सेसफुली। मेरा सिलेक्शन फ्लाइंग ऑफिसर के लिए हुआ है, इन टेक्निकल ब्रांच के लिए। बहुत खुशी का माहौल है दोस्तों, बता रहे हैं आपको, पूरा परिवार मौजूद है और सारा परिवार ये चाहता है कि उनकी बेटी, उनकी केवल घर का ही नहीं, परिवार का ही नहीं, खानदान का ही नहीं, बल्कि समूचे मथुरा का और समूचे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करें। सबसे पहले आपकी माताजी हैं, आपकी आप माताजी हैं इनकी, आप इनकी माताजी। सबसे पहले मैं आपकी मम्मी हूँ, वो मेरी बुआ जी हैं जो बेटी। किस प्रकार से आपने हर माँ की इच्छा होती है उसकी बेटी कुछ मंजिल पाए। बहुत से लोग सोचते हैं कि बेटी का पढ़ाई पूरी हो जाए, जवान हो जाए, तो उसकी हाथ पीली करते हैं, लेकिन यहाँ तो आपने उनको फ्लाइंग ऑफिसर बना दिया जी। क्या कुछ कहेंगी अपनी बेटी के बारे में? मैं यही कहूँगी कि हर बेटी को मेहनत करनी चाहिए, और मैंने शादी के लिए तो कभी नहीं सोचा था कि पढ़ जाए और शादी हो जाए। मैं यही सोचती हूँ कि बेटी पढ़, और जहाँ भी कहीं ये वीकनेस महसूस करती थी, कहती हूँ नहीं, तू मेहनत करेगी तो तुझे फल ज़रूर मिलेगा। कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई होगी जो तेरा, थोड़ा सा कभी कुछ हो जाता तो मैं यही कहती हूँ तू करती जा बस, अगर तुझे मन में विश्वास है कि मैंने अपना 100% दिया है तो तुझे कामयाबी मिलेगी, और मेहनत करती जा। और मैंने कभी नहीं सोचा कि बस यहाँ तक पढ़ा के शादी, नहीं, जब तक तुम्हें पढ़ना है, तुम्हारा मन है, तुम पढ़ाई करो, उसके बाद में शादी का तो कभी नहीं सोचा मैंने कि इतना पढ़ के शादी करनी है, पहले पढ़ाई उसके बाद में शादी। बिल्कुल, कल्पनाओं की उड़ान को हकीकत में बदलने का जो श्रेय जाता है वो माता पिता में जाता है। आप उनके आशा के पिताजी हैं और फौज से, सेना से रिटायर्ड हैं, उनके बारे में जानेंगे। क्या कुछ कहेंगे कि आज आपकी बच्ची ने जो कल्पनाओं की उड़ान जो सोची थी आज हकीकत में बदलने जा रही है? हाँ, हकीकत में बदल दी मेरी बेटी ने, क्योंकि इसने पढ़ाई भी ठीक ठाक की, और जहाँ मंजिल की पढ़ाई की उम्मीद थी मेरे को, वो इसने करके दिखा दी। इसके लिए प्रिपरेशन सबसे बड़ा ज़रूरी होता है। जिस प्रकार से वो हाई स्कूल एंटर कर रही थी उस समय आपने हौसला दिया उसको, और आज का परिणाम है। क्या कुछ कहेंगे कि आगे भी जो बच्चियां हैं वो हौसलों की उड़ान को पूरा कर सकें? आगे भी बच्चियां उड़ान को पूरा कर सकती हैं, उनके माँ बाप पढ़ाने की कोशिश करेंगे और उनके काम पे, घर के काम पे कम ध्यान दें और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो हौसला पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, हौसला पूरा कर सकते हैं। आपसे भी जानेंगे कि कोई आप भी खुशियों में शरीक हुई हैं। हाँ, हम बहुत खुश हैं। मेरी भांजी है जी, आशा मेरी भांजी है, और हम खुशी का बयान नहीं कर सकते, इतने खुश हैं। हमने, हमारी छोटी सी बेटी दुनिया से अलग थी, हमें ऐसे लगता था कि हमारी बेटी जरूर एक न एक दिन हमारा नाम रोशन करेगी जी। और उसने ये कर दिखाया, और सबसे हमसे बोलती थी कि मुझे मामा जी पढ़ाओ, माई जी मुझे पढ़ना है, तो हमने सबने सपोर्ट करते थे कि हमारी बेटी है आगे जाने वाली और जाएगी, इसको पढ़ने दो, इसका शादी ब्याह का कुछ मत सोचो। हमने बस यही उम्मीद लगाया था, और आज हमारी बेटी हमारे अरमानों पर खरी उतर गई। बिल्कुल, मामा भी मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहूँगा कि आज उनकी भांजी कल्पनाओं की उड़ान को हकीकत में बदलने जा रही है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? बहुत खुश हैं, बेटी ने बहुत मेहनत की है, शुरू से ही उसकी लगन थी। एक दंगल फिल्म का डायलॉग आज मुझे याद आ रहा है,
जो उसमें बोला हमारी छोरी भी छोरों से कम नहीं है, तो वो बेटी ने सिद्ध कर दिया और सॉरी थैंक यू। आगे बढ़ाई नेचुरल सी बात है कि जब अपना कोई उपलब्धि हासिल करता है तो उसकी खुशी जो है वो अपनी खुशी जैसी लगती है और खुशी आंसुओं के रूप में भी झलक पड़ती है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आप दादी हैं? नानी। नानी हैं आप? लेकिन नाना जी कहते थे कि बेटी आप ढाई वर्ष की कहे कि बेटी तू कछु अफसर बनेगी, तो उनका कहना उनने पूरा कर दिया, खूब लगन से पढ़ी और आगे वाने वही करके दिखाया। बिल्कुल, देखिए भावनाओं से सराबोर हैं, पूरा परिवार खुशी भी शामिल है उसमें। सबसे पहले दादी हैं आप, आशा की दादी हैं, तो आशा की दादी हैं आप, बुआ हैं। क्या कुछ कहेंगी आशा ने जो लक्ष्य पाया है, अपनी मंजिल पाई है, क्या कुछ कहेंगी? अब बेटा मेरा कुछ जान ना मेरा काम का नहीं है। आप खुश हो? हाँ। देखो हम आज तो बदलाव लिमा हम तो खूब खुश हैं, खूब खुश हैं, बहुत खुश हैं हमारी लाली, बहुत अच्छी लग रही है। बिल्कुल बुआ जी हैं आप, और आपसे भी जानना चाहेंगे आप, आप कौन? आशा के मैं रूपा हूँ, आशा का हम रोल अदा करते हैं आप तो परिवार में। जी जी जी, क्या कुछ कहेंगे आशा ने? कहेंगे कि लड़की ने इतना स्ट्रगल किया है, इसने एक बार ये नटी में गई थी पहले करने के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा इसे डिमोलाइज हुई, फिर हमने इसको कहा नहीं बेटा है नहीं, स्ट्रगल करना है तो करना है, बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तो एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और वही परिणाम आज इसके सामने है, जो कुछ किया है इसने अपने बल पे किया है, सब कैसे निराशा नहीं नहीं होने दी। बिल्कुल सही बात कहा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इंसान अपनी मंजिल पाना चाहता है, कई बार वो असफल होता है, लेकिन असफल होता है तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि जो उसने प्रयास किया उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी सी रह गई थी, लेकिन हौसलों की उड़ान में आज आशा भरंगर ने मथुरा के इतिहास में जो नाम रोशन किया है वो वास्तव में अन्य बेटियों को प्रेरणा देने वाला है, और उसके लिए अन्य बेटियाँ भी उससे प्रेरणा लेकर अपने भविष्य को, अपने सपनों को अंजाम दे सकेंगी, ऐसी हमारी आशा है। मैं अपने साथ ही राहुल के साथ हेमंत शर्मा।